हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक लिमिटेड शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर यहाँ पर हमें काफी अच्छा सा ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले समय में काफी अच्छी मोमेंटम कर सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ट्रेड को प्लान करना पसंद करेंगे। सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कौन सी सीनियर यहाँ पर हमें देखने मिल सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, जो कि जिन लोगों के यहाँ पे बेसिक नॉलेज वो लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जिन लोगों के लिए नहीं, जो लोग बिगिनर्स उन लोगों के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर इसे आप देख सकते हो, इसी लेवल के नियर बाय यहाँ पे हम रिसेंट टाइम में यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे थे, काफी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला था। और इसी लेवल से यहाँ पर हमें अपसाइड की रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली। लेकिन जो सपोर्ट लेवल थी, जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो काफी अच्छे से डाउनसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली। अभी फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने मिला। अब कंटिन्यूसली आप हम हाई लेवल्स के मोमेंटम तो कर रहे, लेकिन जो यहाँ पर हमारे प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट था, इसी लेवल के नियर बाय यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रिसेंट टाइम में यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमने इस लेवल को टेस्ट किया है एज अ रेजिस्टेंस की तरह, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पर हमें इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें काफी अच्छी अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट रहेगी। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्लान करके चलना है। अभी रिसेंट टाइम में आप देख सकते हो, लास्ट वीक में नियर बाय काफी अच्छे से यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने मिला। अब तक अपसाइड ब्रेकआउट अगेन यहाँ पे हाई लेवल पे यहाँ पे हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा साइन है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक रेंज का फॉर्मेशन बनाया, लेकिन एट द एंड यहाँ पे हमें रिवर्स साइन देखने मिला और यहाँ पे हम डाउनसाइड मूवमेंट कर गए। पर्टिकुलर सीनरियो में यहाँ पे हमें इस रेजिस्टेंस लेवल का, जो कि 1000 के लेवल है, इसे हमें केयरफुली वॉच करना है। जैसे यहाँ पर हम इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट सीनरियो देखने मिल जाता है और यहाँ पे हम सस्टेन कर जाते हैं, तो यहाँ पर हम इमीडिएटली बाइंग साइड ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करना पसंद करेंगे। और यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट कैंडल फॉर्मेशन बनेगा, उसका लोग यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो लोग यहाँ पे इंट्राडे करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे 8 to 10 rupees के यहाँ पे मिनिमम मोमेंटम एक्सपेक्ट रहेगी। और जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और जो लोग पोजिशन प्ले करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 1 hour की टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर यहाँ पे हमें इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट सिनेरियो कंफर्मेशन चाहिए, तभी जाके यहाँ पे हम अग्रेसिव यहाँ पे बाइंग सर्किट को यहाँ पे इनिशिएट करना पसंद करेंगे। बिकॉज क्या होगा, अगर 5 to 10 minutes में यहाँ पे क्विक मोमेंट हो जाती है और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल जाता है, अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है और वापस यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर भी देखने मिल सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हम ट्रैप ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम मिनिमम 1 hour की टाइम फ्रेम यहाँ पे एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे एंट्री करना पसंद करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे इंट्राडे करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे 5 minute, 10 minute, 50 minute की टाइम फ्रेम यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगी, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्लान करके चलना है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, अगर यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस लेवल के नियर बाय बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन और यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हमें बाइंग साइड ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड करना है। हमें बाइंग साइड ट्रेड को तभी जाके एंट्री करना है, तभी जाके इनिशिएट करना है, जब हम इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाते हैं। और यहाँ पे डाउन साइड में आपको वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें अपसाइड कन्फर्मेशन चाहिए, तभी जाके यहाँ पे हमें अग्रेसिव ट्रेड करके चलना है, अदरवाइज यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर हमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन और कैंडल क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की, लेकिन थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर यहाँ पे हमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन सेटअप को यहाँ पे फॉलो करके चलना है, अदरवाइज यहाँ पे हम इग्नोर करना पसंद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।